कि इंडिया ने शो कर दिया कि कितना कैरेक्टर है उनकी क्रिकेट में। एक टीम 36 पे आउट हो एक सेशन में पहले टेस्ट में, और ऐसा फाइट बैक करे सीरीज में कि 2-1 सीरीज जीत जाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा जो है कमाल परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते। बहुत सारी एपिक सीरीज हुई है दुनिया क्रिकेट में जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में। सर इस दौर की बेहतरीन सीरीज थी, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है भारत की टीम में। रवि शास्त्री का जिक्र ना करो, टॉप लेवल के कोच, टॉप लेवल के मेंटर, उन्होंने टीम को जिस तरह खड़ा किया है। वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो गाबा के मैदान पर 1988 के बाद कभी पराजित नहीं हुई हो, वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अपने जमीन पर अजेय मानी जाती हो, वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने पहले ही घोषित कर दिया था कि भारत 4-0 से हार का सामना करेगा, वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके साथ खेल रही हो उसके आधे खिलाड़ी घायल होकर प्लेइंग 11 से बाहर हो, वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने पहले ही मैच में भारत को बुरी तरह हराया हो, वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके गेंदबाज बॉलिंग नहीं सोले बरसा रहे हों, और वह ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने विश्व विजेता का ख्वाब पाल रखा हो, आखिर क्या बात हुई कि हार गई? कुछ तो बात है हमारे रणबांकुरों में जिसने ऑस्ट्रेलिया को हार का मजा चखाया। इस विषय पर कुछ और रोचक जानकारी इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, उसके पहले सुनते हैं विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की गई कुछ परिचर्चा। बहुत सारी एपिक सीरीज हुई है दुनिया क्रिकेट में जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में। सर इस दौर की बेहतरीन सीरीज थी कि इंडिया ने शो कर दिया कि कितना कैरेक्टर है उनकी क्रिकेट में। एक टीम 36 पे आउट हो एक सेशन में पहले टेस्ट में, और ऐसा फाइट बैक करे सीरीज में कि 2-1 सीरीज जीत जाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। मैं कहता हूं इससे ज्यादा जो है कमाल परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते। दूसरा इमेज जो सामने आता है जहन में कि आज जब ऋषभ पंत ने विनिंग रन किए, चौका मारा, रहाने के ऊपर कैमरा गया, बाहर बैठे हुए थे वो जिंका रहाने, इंडिया के स्टैंड एंड कैप्टन, जिनको सबसे मुश्किल काम दिया गया था, और वो ये था कि जब विराट कोहली वापस गया पहले टेस्ट के बाद पेरेंटल लीव पे, तो रहाने ने 3 टेस्ट में लीड करना था इंडिया को, और बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। और ये जहन में रखें कि जब उन्होंने टेक ओवर किया टीम को तो उसमें तो ऑलरेडी ईशांत शर्मा तो आए नहीं थे टूर पर इंजरी की वजह से, और वो शामी को भी लूज कर चुके थे, और कोहली खुद वापस चले गए थे। जो उनका काम और कंपोजर था, जो बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं था उनके फेस पे जब इंडिया टेस्ट जीता विदाउट एन एक्सप्रेशन, दैट रियली स्टूड आउट, यू नो, इट शोड के कितना कूल एंड काम कप्तान है, कैसे उसने इस क्राइसिस, जो ये डिफरेंट क्राइसिस इंडिया को फेस करने पड़े इस सीरीज के दौरान पहले टेस्ट के बाद, कैसे उसने हैंडल किया, किस तरह से उसने काम रखा इंडियन ड्रेसिंग रूम में, किस तरह से उसने प्लेयर्स में सेल्फ बिलीफ जो है जारी रखा, उनको मोटिवेट करके रखा, और उसका नतीजा आज हमने देखा। अ फैंटेस्टिक वर्क बाय अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का रोल आप किसी सूरत में भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते सीरीज विन में। ऑल क्रेडिट टू रवि शास्त्री जो शैम्बल्स में थे और जिनको अनिल कुंबले के जाने के बाद बहुत ऑस्ट्रेसाइजेशन हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, एंड आई पर्सनली फील जी के जो ऋषभ पंत ने और शुभमन गिल ने जिस किस्म की आज इनिंग्स खेली हैं, और ये खैर पसंद नहीं फरमाएंगे, बट वो जो 56 रन 211 गेंदों पे उसने एक मुसीबत डाल दी थी चेतेश्वर पुजारा ने कि इंडिया को भी नहीं जीतने देना और ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं जीतने देना, बट उन्होंने जब एंकर किया तो वो जो स्टॉलिंग ऑफ द विकेट्स हैं और पंत को फिर एक फ्री स्पेस मिली, 89 स्पेक्टेकुलर रन बाय पंत फॉलोइंग इनिंग्स ऑफ 97, क्या कैरेक्टर दिखाया है, चाहे मोहम्मद सिराज हैं, चाहे ग्रॉइन निकल के साथ मोहम्मद सैनी हैं, अपने ये शार्दुल ठाकुर हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस सीरीज में इंडिया के लिए खेलेंगे। शुभमन गिल और ऋषभ पंत इस इनिंग में कमाल बैटिंग की है और इंडिया को एक नामुमकिन आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिस्बेन में पिच इतनी अच्छी नहीं थी, इधर पुजारा का इन्होंने कहा कि ना जीतने देते हैं, ना जीतना खेलने देते हैं ना खेल, और उनके बहुत बॉल लगी आज जो दिखा रहे थे 6-7 बॉल उनके लगी है, और जिस तरह से बॉल उन्होंने पुरानी की नई बॉल भी मिल गई, डिटरमिनेशन, तो बहुत बड़ी जीत है ये, टेस्ट क्रिकेट की जीत है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की जीत है, क्योंकि जो डाई हो रही है टेस्ट क्रिकेट, तो उसके लिहाज से बहुत बड़ी
जीते। बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है भारत की टीम में, रवि शास्त्री का जिक्र ना करो, टॉप लेवल के कोच, टॉप लेवल के मेंटर, उन्होंने टीम को जिस तरह खड़ा किया है और टीम को लेके गए। टीम एक गेम होता है, प्लान जो उन्होंने दिया, उनके एनालिस्ट ने जो प्लान दिया उस पर टीम ने काम किया। 36 रन पे जो टेस्ट मैच पे टीम आउट हो गया, उसको कम बैक करना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, ऑस्ट्रेलिया के घर में हराना, इंडिया की इतनी शानदार कारकर्दगी में, तो उनकी मैनेजमेंट, उनकी कप्तान और टीम जय लोग खेलती है, कारकर्दगी नजर आती है। दूसरी जो इमेज थी किस तरह से जो है एक साथ जो है हडल में ऋषभ पंत, सिराज, गिल, पृथ्वी शॉ, वॉशिंगटन सुंदर, ये सारे यंगस्टर जो है साइनी वगैरह, ये किस तरह से मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, इट शोड दिस वाज द कोर, दिस इज द कोर ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ये कोर है, ये इंडियन क्रिकेट का कोर है, यंग गन्स जो है ये फ्यूचर इंडियन क्रिकेट का। और जब वो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट का इतना कॉन्फिडेंट हो और इतना डिलेयर हो कि वो मतलब इंडिया को आज एक ऐसा टेस्ट मैच जिता दे जो कि कोई सोच नहीं सकता था इंडिया जीतेगा, हम सब यही समझ रहे थे। मैंने भी यही कल कहा था कि क्या इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करेगा, लेकिन सेफ ऑप्शन ये है कि आप ड्रॉ के लिए खेलो, ड्रॉ भी आप कर जाओ बहुत बड़ी बात है कि आप सीरीज रिटेन कर लोगे, ट्रॉफी रिटेन कर लोगे, बट नो, दिस इज द साइन ऑफ अ ग्रेट टीम। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना, उनका भरम खत्म करना बहुत बड़ी बात है। जहन में रखें, जस्ट इमेजिन कि ये जो ग्राउंड था ब्रिस्बेन, 88 से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं था, इंडिया ने इनका फोर्ट्रेस खत्म मतलब ब्रेक डाउन कर दिया। और मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैंने कहा था रिकॉर्ड बनते मतलब तोड़े जाने के लिए, पाकिस्तान भी कराची में नहीं आ रहा था टेस्ट मैच जब से नेशनल स्टेडियम स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद 2000 में नासिर हुसैन की इंग्लैंड टीम ने आके हराया पाकिस्तान को। 8 की प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, और मतलब मैं बार बार वही बात करता हूँ, क्या मतलब बोलते हुए बुरा लगता है बार बार कि यार हम एक्सक्यूज़ तलाश करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, वो ये था, वो कोविड था। इस इंडियन टीम की सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी रहाने की, नॉट अ सिंगल ओकेशन इन द सीरीज डिड ही कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। 1988 के बाद गाबा के मैदान पर कल ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत के हाथों पराजय का स्वाद चखा। बहुत बुरा लगा होगा ऑस्ट्रेलिया को, पर क्या करें, हमारी भारतीय टीम ऐसी ही है। किसी एशियन देश द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया को इस गाबा के मैदान में 1988 के बाद हराया गया है, क्योंकि 1988 में जब ऑस्ट्रेलिया यहां पराजित हुआ था तो उसके सामने वेस्टइंडीज की टीम थी, और उस समय वेस्टइंडीज की टीम में द ग्रेट क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, मेलकम मार्शल जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे जिनका लोहा विश्व मानता था। पर 2021 के इस हराने वाली टीम में केवल नौजवान बच्चे खिलाड़ी थे जिनको विदेश क्या, देश में भी कम ही लोग जानते हैं। इनमें से दो खिलाड़ी तो ऐसे थे जो अभी अभी टेस्ट मैच में कदम ही रखे थे, पर कारनामा वही किया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, ने सोचा भी नहीं होगा, अविस्मरणीय, अकल्पनीय और अद्वितीय। 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया कुल 31 टेस्ट मैच गाबा में खेला था, जिसमें 24 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी और 7 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे। जिस प्रकार गाबा ऑस्ट्रेलिया के लिए लकी टेस्ट मैदान माना जाता है, उसी प्रकार और कोई टेस्ट मैदान विश्व में नहीं है सिवाय पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची, जहां पाकिस्तान 1955 से लेकर 2000 तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। फर्स्ट इनिंग में लीड लेकर शायद ही ऑस्ट्रेलिया कभी हारा हो। दूसरी तरफ भारत द्वारा 328 रन का चौथी पाली में रन चेज करना यह भारत के लिए तीसरी बड़ी रन चेज थी। तीसरा बड़ा रन चेज इसलिए माना जाता है कि क्योंकि इसके पहले भारत 403 रन का वेस्टइंडीज के खिलाफ 1975-76 में और 387 रन का रन चेज इंग्लैंड के खिलाफ 2008-09 में कर चुका है। यह हमारे रण बाकरों के लिए बहुत बड़ी फतह के रूप में देखी जा रही है। हम लोगों को इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।